स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूनिट नंबर 5। हम जो है आज यूनिट जो है 5 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया जो है हमारा जो बायोलॉजी सेक्शन है उसका यूनिट नंबर 5 है। इससे पहले आपको जब मैंने यूनिट नंबर 1 जो है हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग आजम, तो उसके अंदर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जिसके अंदर हमारा एक किंगडम था किंगडम एनिमिलिया, जिसके अंदर हमने डिफरेंट एनिमल्स जो उसको डिस्कस किया था। तो वी कैन फाइंड लिविंग थिंग्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। हम जिस ज़मीन के ऊपर रहते हैं तो ज़मीन के हर जगह पे हमें जो है मुख्तलिफ किस्म के लिविंग आज़म जो है वो मिलते हैं। फ्राम डीप ब्लू ओशन टू द एयर अबोव द क्लाउड्स, जब हम बात करते हैं अर्थ की तो हमें ज़मीन की यानी गहराई के अंदर, समंदर की गहराई के अंदर भी हमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर मिलते हैं, जैसे मछलियाँ होती हैं, ऑक्टोपस होते हैं, स्टार फिश वगैरह, और दूसरे जो सी वीड्स वगैरह जो होती हैं, ये सारे लिविंग आज़म जो हमें समंदर की गहराइयों के अंदर ही मिलते हैं। और अबोव द अर्थ इन द एयर अबोव द क्लाउड्स के अंदर, जब हम ऊपर बात करें ज़मीन के, तो हमें जो है क्लाउड्स के ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म के परिंदे जो हैं वो दूसरे इंसेक्ट जो हैं उड़ते हुए नज़र आते हैं। दिस आल्सो बिलोंग्स टू द लिविंग थिंग्स। सो देयर आर लेक्स, यू नो, ऑन द आवर प्लैनेट्स देयर आर द लेक्स, रिवर्स, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट्स एंड अवर प्लानट्स। जब हम बात करते हैं लेक्स के अंदर, तो हमें लेक्स के जो है अंदर मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ और मुख्तलिफ किस्म के एम्फीबियंस जो हैं वो मिलते हैं। रिवर्स की बात करते हैं तो रिवर्स के अंदर भी, दरिया के अंदर भी हमें जो है मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो हैं मिलते हैं। जब फॉरेस्ट की बात करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के जंगली जानवर हो गए, हाथी हो गए, ज़ेबरा हो गया, ये बबर शेर लॉइन वगैरह जो होते हैं, ये सारे हमें जो है कहाँ पर मिलते हैं, फॉरेस्ट में मिलते हैं। डिजर्ट्स के ऊपर भी हम बात करते हैं तो डिजर्ट्स में भी मुख्तलिफ किस्म के हमें इंसेक्ट्स मिलते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डिजर्ट्स के अंदर ही ग्रो करते हैं, ये सारे हमें जो है मिलते हैं अर्थ के ऊपर। तो ये ऑल दिस प्लेसेस हैव द लिविंग थिंग्स। ये सारी प्लेसेस जब हम बात करते हैं रिवर्स की, ओशंस की बात कर रहे हैं हम, लेक्स की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, डिजर्ट्स की बात कर रहे हैं, माउंटेंस की बात करते हैं, तो इन सारे जगहों पे जो है हमें लिविंग आज़म जो है मुख्तलिफ किस्म के वो मिलते हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने जो है इन सारे लिविंग आज़म को सॉर्ट आउट किया और इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया, ताकि उनकी स्टडी जो है वो अच्छी हो सके, अच्छे तरीके से उनको हम स्टडी कर सकें। तो इसके अंदर जो है ईजियर करने के लिए लिविंग आज़म को स्टडी को, तो साइंटिस्ट ने जो उसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल जो हमारा दूसरा टॉपिक है, तो क्लासिफिकेशन एनिमल के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे फर्स्ट यूनिट था उसके अंदर किंगडम एनिमिलिया हमने जो है वो पढ़ा था। तो किंगडम एनिमिलिया इज़ द लार्जेस्ट किंगडम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर जो भी जानदार हमें मिलते हैं, तो ज़्यादातर जानदार जो है वो किंगडम एनिमिलिया से जो है वो बिलोंग रखते हैं। अब ये जानदार जो हैं उनको दो मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया गया है, एक वर्टिब्रेट्स और दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो एनिमल्स विद वर्टिब्रल कॉलम, जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी बताया था कि ऐसे जानदार जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद हो, यानी रीढ़ की हड्डी जो है वो मौजूद हो उसके अंदर, बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर ये मौजूद है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट कहते हैं। और ऐसे जानदार दूसरे जो है हमारे वो है इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स जो है ऐसे जानदार हैं जिसके अंदर जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है ये रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। फिर अगेन जो है आपको बताया ये दो ग्रुप्स जो हैं इनको फिर अगेन फर्दर डिवाइड किया गया इनटू सिंपल ग्रुप्स के अंदर, सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो आपकी बुक के अंदर भी पेज नंबर जो है 34 के अंदर आप देखेंगे तो हमें एक जो है क्लासिफिकेशन व्हील दिया गया है। उस क्लासिफिकेशन व्हील के अंदर जो है एनिमल्स को दो ग्रुप्स में वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर तकसीम किया गया। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेज आ जाती हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये वो लिविंग आज़म हैं जो बिलोंग्स रखते हैं वर्टिब्रेट्स है, यानी फिशेस मछलियाँ जो हमें मिलती हैं, उसके रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जानवर है जिसमें इंसेक्ट वगैरह और स्नैक्स वगैरह और जो है क्रोकोडाइल ये मौजूद होते हैं, उसके एम्फीबियंस हैं जिसमें फ्रॉग वगैरह जो आ जाता है मेंढक वो, बर्ड्स आपको पता है, मैमल्स, ये सारे बिलोंग्स करते हैं टू द वर्टिब्रेट। और जब इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में जो है वो वाम्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं और दूसरे जानदार जैसे स्टार फिश हो गए, ऑक्टोपस आ गए, हमारे दूसरे किस्म के जानदार मुक्त जो पानी के अंदर रहते हैं छोटे छोटे, वो भी जो है बिलोंग्स करते हैं इनवर्टिब्रेट से। तो
यहाँ पे आगे जाके हम जो है यहाँ पे तो हमारे जो है वो सिंपल जो इंट्रोडक्शन था क्लासिफिकेशन का वो ख़त्म हो गया। इसके बाद जो है हम सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स जो है उसको डिस्कस करेंगे, उसकी मुख्तलिफ क्लासेस यानी फिशेस, उसके अंदर रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स और बर्ड्स जो है उसको वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये लेक्चर जिस तरीके से समझ में आ गया। अल्लाह हाफ़िज़।